तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, मैं आपको बता दूं, रेडमी का 7A, ये रेडमी का एक 7A मॉडल है हमारे पास, और इसमें प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही थी। तो हम इसको एंडलेस सोल्यूशन देने वाले हैं, लास्ट तक सोल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि आप यहाँ से ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, मैं यहाँ पे आपको एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल में कमेंट करके और सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। क्योंकि ये जो वीडियो है, मैं यहाँ पे रेडमी 7A का जो मैं यहाँ पे आपके सामने में दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, और मैं इसके बारे में फुल डिटेल करने वाला हूँ, एंडलेस सोल्यूशन करने वाला हूँ कि रेडमी 7A का अगर आपके पास कभी भी लाइट प्रॉब्लम आता है तो आप बिल्कुल ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्रॉब्लम एक जगह से हो, हर जगह से हो सकता है। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, पीछे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन भी रखा हुआ है। तो आपको हम चालू करके भी दिखाएंगे क्या इसमें ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी है जेन्युइन वीडियो है। और यहाँ पे क्योंकि मैं एक हाथ से बनाता हूँ तो जितनी हो सकता है उतनी क्लियर के साथ आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और सब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, नहीं तो आप शायद हो सके ना बना पाए। डायरेक्ट सोल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको नॉलेज होना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है और इसमें डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे इनबिल्ड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो सबसे ग्राफिक्स तो आ रही थी, पर यहाँ पे जब ये फ़ोन आया था तो किसी टेक्नीशियन ने काफ़ी ज़्यादा इसमें छेड़ा हुआ था तो इसमें लाइट नहीं बन रही थी, तो इसमें एक्चुअल में काम भी किया हुआ था। तो मुझे, मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे एंडलेस सोल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये जो आप पिन कनेक्टर्स को देख रहे हैं, तो इसका जो पहली पिन है, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से बात करूँ, इसकी जो पहली पिन है वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि इसका पास टू क्या बोलते हैं, पर आप वो छोड़ दो। आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से, ऊपर की लेफ्ट साइड से आप काउंट करोगे तो पहली पिन और यहाँ पे चौथी पिन और यहाँ पे पांचवी पिन और यहाँ पे नौवीं पिन, ये हमारी है डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है फ्रेंड, ये हमारी डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो आपको मल्टीमीटर से मैं चेक नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको फुल डिटेल दे देता हूँ आप, इसीलिए जो भी प्रॉब्लम आप में आएगी आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे फ्रेंड। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, पहली पिन पर रीडिंग आनी चाहिए क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आप डायरेक्ट इसकी आईसी पे नहीं चले जाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो कनेक्टर है उसमें क्या कंडीशन बन रही है, आप पहले उसकी कंडीशन चेक करोगे उसके बाद आगे बढ़ोगे फ्रेंड, हमेशा की तरह। तो सबसे पहले आपको हर एक सेक्शन में उसकी कंडीशन को चेक करना है, उसके बाद ही आपको आईसी पे जाना है, और आईसी पे जाने के बाद क्या चेक करना होता है मैं वो सारा एंडलेस इसीलिए देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे इसकी पहली पिन पे रीडिंग आनी चाहिए, जीआर आनी चाहिए, और जो पहली पिन है वो इसकी एलईडी कैथोड की लाइन है, कैथोड की लाइन है पहली पिन। इसके फिर तीसरी चौथी नंबर की पिन है हमारी कैथोड टू, हमारा जो पहला पिन है वो सॉरी एनोड की लाइन है, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ थोड़ी सी क्योंकि हो जाता है, ये जो हमारी पहली पिन है वो एनोड की लाइन है फ्रेंड। तो हमारी एनोड पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए, फिर चौथी नंबर हमारी कैथोड टू है और पांचवी नंबर कैथोड वन है। तो हमारी सर चार और पाँच और एक, मतलब हमारे ये एनोड की लाइन और हमारी कैथोड वन और कैथोड टू, और उसके बाद जो नाइन नंबर की लाइन है वो हमारी सीएबीसी की लाइन है। तो सर हमारा नौ, ये चार पिनों पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए, और चारों की मैं सप्लाईयों के बारे में बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग आ रही है तो मतलब ट्रैक हमारा सही है, जब ट्रैक सही है तो फिर जाहिर सी बात है आईसी तक जाएंगे। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आती तो ट्रैक में या तो बीप आता तो शॉर्ट होता, या तो वन आता तो हमारा ओपन होता, दो ही कंडीशन हमारा वहाँ पे हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे बोर्नियो के लास्ट सोल्यूशन में भी जाऊँगा। तो ये आपका जो एनोड का यहाँ पे रजिस्टर है, और यहाँ पे कैथोड टू और कैथोड वन के भी कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं सारी चीज़ें, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। अब चलिए मैं इसके आईसी के पास ले चलता हूँ, आपको आईसी के पास ले चलता हूँ। तो इसका जो आईसी का सेक्शन है, इसके जस्ट क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, इसके एमएमसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एमएमसी के जस्ट ऊपर फ्रेंड इसका यहाँ पे आईसी का लाइट का सेक्शन है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा इसका लाइट का सेक्शन है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो जब आपका, आपने देखा कि ट्रैक हमारा सही है, तब आपको सीधा आईसी पे जाना है। लोग डायरेक्ट आईसी पे चले जाते हैं और आईसी पे काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसकी कंडीशन चेक करनी होती है, हमारे जो कनेक्टर है कि हमें कंडीशन, सपोज ये हमारा डिस्प्ले होता तो हमें इसकी पहले कंडीशन चेक करनी है। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि आपको फर्स्ट फोर फाइव और नाइन नंबर पिन पे आपको चेक करना है कि हमारी ट्रैक सही है कि नहीं। अब जब ट्रैक सही है तो जाहिर सी बात है हमें आईसी से प्रॉब्लम होगी, तो इसका जो लाइट सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लाइट सेक्शन है तो D8, मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसका जो आईसी नंबर है वो D8 है, ठीक है।
ये हमारी आईसी नंबर है D8। अब उसके बाद मैं बता दूं उसके पास में जो जो लगा हुआ है, ये लाइट आईसी का बूस्ट कॉइल है और ये लाइट आईसी का डायोड है। तो आप इसको भी पहचान सकते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है। बूस्ट कॉइल, डायोड और कैपेसिटर, ये तीन चीज़ हमारा मेन होता है। जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूँ, ये तीन चीज़ें मेन होती है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या क्या किया, सारी चीज़ें सबसे पहले डायग्नोज किया हमने, डायरेक्ट पहले आईसी पे नहीं किया, सबसे पहले इसको सारी चीज़ डायग्नोज किया। तो इसमें छेड़ा हुआ सेट था, ये फ़ोन यहाँ पे था। अगर आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको तीन चीज़ें चेक करनी है, तीन चीज़ें चेंज करनी है, अगर वाटर डैमेज सेट है या फिर जो भी इनकेस का कारण है, ट्रैक सही है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी है। आपको यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करनी है, तीन चीज़ें क्या चेक करनी है, सबसे पहले आपको कॉयल और डायोड इसका कैपेसिटर, ये तीन चीज़ आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि हमारा लाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर लाइट हमारा बन रहा है फ्रेंड, तब आपको क्या करना है, अगर हमारा ये तीनों चीज़ चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं बन रहा है, तो हमें फिर D8 को चेंज करना पड़ेगा। पर D8 चेंज करने से पहले आपको यहाँ पे, जैसे ही आप D8 को निकालोगे, तो आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना है, BPH पावर चेक कर लेना है कि हमारा BPH पावर बन रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला हमें जो करना था, हमें ट्रैक चेक करना था। दूसरा हमें जो करना है सोल्यूशन, ये जो हमारा बूस्ट कॉइल, ये हमारा डायोड और ये हमारा कैपेसिटर को, तीनों कॉम्पोनेंट को चेक करना है। अगर इसके बावजूद नहीं आता है, तो फिर हम IC में जाएंगे। तो IC में आपको दो चीज़ चेक करनी है IC चेंज करने से पहले। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आईसी चेंज करने से पहले हमें दो चीज़ चेक करना है, इसका इनपुट वोल्टेज चेक करना है फ्रेंड, और इसका EN चेक करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, जो EN का रजिस्टर होता है, आपको पता होगा हाई वैल्यू का जो हमारा रजिस्टर होता है, ये EN का रजिस्टर है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन ये है फ्रेंड कि यहाँ पे एक आपको जंपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक रजिस्टर था और यहाँ पे एक कैपेसिटर था और यहाँ पे फिर एक रजिस्टर था। तो ये सारा छेड़ा हुआ सेट था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक जंपर, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश कर दूँ, क्लियर आपको दिखाई दे जाए। तो ये देख सकते हैं वहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। तो इसका सलूशन यही था कि हमने आईसी को निकालने से पहले ये देखा कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ पे BPH पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रजिस्टर ही हटा हुआ था, तो हमने सब ये सेक्शंस को चेंज कर दिया था, आईसी को भी चेंज कर दिया, पर हमने ट्रैक को नहीं दिया। तो जैसे हमने आईसी को उठाया, तो यहाँ पे देखा हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ पे रजिस्टर जो लगा था वो ओपन था, तो फिर उस रजिस्टर को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो जैसे इसको इनपुट वोल्टेज मिला, यहाँ पे EN हमने चेक किया, तो यहाँ पे 1.8 हमारा वोल्टेज आया, और जैसे आईसी एक्टिव हुई, तो हमारा बूस्ट वोल्टेज बना लिया फ्रेंड। तो ये था पूरा राउंड सर्कल हमारा, यहाँ पे पूरा सेक्शन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करना है, कनेक्टर पे उसकी कंडीशन चेक करनी है। सेकंड हमें ये तीन कंपोनेंट को चेक करना है, चेंज करना है, कॉयल, बूस्ट कॉयल, डायोड और हमारा कैपेसिटर। उसके बाद नहीं होता है, तब आईसी निकालने के बाद अगर इस रजिस्टर को देख लेना है कि हमारा ये सही है कि नहीं। ये मेन हमारा रजिस्टर है, इनपुट का रजिस्टर है, यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट, ये हमारा रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन होगा तो आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज मिल गया, तो फिर EN मिलना चाहिए। EN अगर नहीं मिलना है, तो आप कहीं 1.8 आप EN भी दे सकते हो, सारा चीज़ हमारे सेक्शन में रहता है। तो उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलिए इसको हम देखते, आपको यहाँ पे करके बता देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लाइट आ चुका है फ्रेंड। तो ये मैंने DC से कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा लाइट आ चुका है। ये प्रॉब्लम लाइट के लिए आया ही था। तो फाइनली सोल्यूशन इसका ये निकला कि वहाँ पे जो हमारा इनपुट का जो रजिस्टर था, इनपुट वोल्टेज का जो रजिस्टर था, वो ओपन हो गया था। तो उसको हमने यहाँ पे हटा दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। तो फाइनली सबसे पहले मैं फिर से रिविज़न कर देता हूँ, और थोड़ा सा आपको मैं वहाँ पर दिखाऊँगा कहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, आपको एक लैपटॉप में भी दिखा दूंगा, आपको डायरेक्ट फटाफट वहां से भी आपको सोल्यूशन एक बार दे दूंगा। तो चलिए, क्योंकि मैंने इनलेस बोला था, तो इनलेस सोल्यूशन आपको दूंगा। आई होप अभी वीडियो देख करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और आप लास्ट वीडियो तो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी एक चीज़ मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड कि ये जैसा कि आपने यहाँ पे देखा सारी चीज़ें, यहाँ पे वोल्टेज को आपने देखा, सब कुछ देखा। तो इसका जो प्रॉब्लम था, इसका प्रॉब्लम यही था कि यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ था, इनपुट रजिस्टर, वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। पर उससे पहले हमने यहाँ पे ये तीन चीज़ें कर ली थी। स्टेप टू क्या क्या कर लिया था यहाँ पे, इसके हमारे इसको जो बूस्ट कॉइल था और हमारा डायोड और हमारा कैपेसिटर, इन तीनों को हमने चेंज कर लिया था। उसके बाद आईसी चेंज करने ही वाले थे, तो पहले हमने यहाँ पे रजिस्टर को देखा, वो ओपन था, फिर हमने वहाँ पे लगाया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलिए, अब थोड़ा सा आप हमारे PC में आइएगा, और PC में भी देख लीजिए कि वहां पे क्या-क्या चीजें हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो वीडियो को लास्ट इन तक आप देख लो, क्योंकि आपको यहाँ पे इनलेस सोल्यूशन मैंने बोला था। तो इनलेस सोल्यूशन क्या होता है कि जब मैंने हार्डवेयर आपको करके दिखाया, मैं अपने हाथों से, एक हाथों से मैंने वीडियो को कैप्चर करके सारा चीज आपको, जिसको बोलते हैं आपको उसका प्रैक्टिकल वे, मतलब जो काम किया हुआ रिजल्ट होता है, वो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे, ये हम देख सकते हैं हमारा Redmi 7A का LCD लाइट का सेक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको बोरियो में समझा देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। जो चीज मैंने वहां पे बताई थी, एक बार मैं यहाँ पे इस पिक के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने बोला था फर्स्ट यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे 9। तो काउंट भी करोगे तो भी हमारा ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको कनेक्टर पे कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद हमें सभी लाइनों को चेक करना है। अगर ओपन होगा तो हम लाइन को चेक कर लेंगे। तो देखिए, वहीं पे हमारा एक यहाँ पे रजिस्टर मिल गया, थोड़ा
वीडियो लंबी है, वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन में हमारी ये जो लाइन थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो लाइन हमारी एनोड की लाइन है, तो एनोड में सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, पैरेलल में कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, फिर सीरीज में लगा हुआ है, तो ये हमारा कॉम्पोनेंट ओपन हो चुका है, हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट सेक्शन ही हमारा लगा हुआ है। उसके पहले हम इस लाइन को भी चेक करते हैं, कैथोड टू और कैथोड वन को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सीरीज कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, इसके लाइन में भी सीरीज कॉम्पोनेंट लगा हुआ है। तो अगर ये लाइन ट्रैक ब्रेक होती है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, बाकी आप डायग्राम भी चला सकते हो, मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा अभी, ये डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद सीधा और सीधा ये सारी चीजें हमारी आईसी पे जा रही है, तीनों लाइनें हमारी लाइट आईसी पे जा रही है, और जो हमारा नौ नंबर का पिन था वो हमारा सीएबीसी की लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा सीएबीसी की लाइन, एलसीडी सीएबीसी की लाइन, और सीधा ये हमारा आईसी पे जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट हम आईसीयू की बात करते हैं। तो आपको आईसीयू पे जाने के बाद हमने क्या बताया था कि आपको ये बूस्ट कॉइल, ये डायोड और कैपेसिटर, ये तीनों चीज आपको चेंज करना है। ये आउटपुट का होता है, देख सकते हैं यहाँ पे डायोड आउटपुट, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, और ये हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है बेसिकली। तो आपको इन तीनों कंपोनेंट को पहले चेंज करना है, उसके बाद भी नहीं आता है तो आईसी चेंज करना है। आईसी चेंज करने से पहले हमें वही इनपुट इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है कैपेसिटर, और यहाँ पे पैरेलल में भी एक रजिस्टर, तो ये दोनों कंपोनेंट अभी भी नहीं है, और इस कंपोनेंट नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया शॉर्ट, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज इसको मिला। और इनपुट वोल्टेज मिलने के बाद हमें दूसरी चीज क्या चेक करनी है, इसका यहाँ पे ईएन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईएन का एक रजिस्टर है जो कि सीपीयू से आता है। आपको मैं बता दूं, देखिए ईएन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीपीयू से आता है, उसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, तो आप देख सकते हैं ईएन। अगर हमारा दो चीज चेक करना है यहाँ पे, देखिए ये हमारा इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे ईएन, अगर ये दोनों चीज मिल रहा है तब जाके आपको आईसी को चेंज करना है, नहीं तो आईसी को आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्योंकि हमारी ट्रैक सही है, सब कुछ सही है, आईसी चेंज कर दोगे तो इनलेस सोल्यूशन मेरे भाई यही है। बाकी चीजें आपने सब कुछ देखा, यहाँ पे पावर से क्या वोल्टेज बन रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये आपको दिखाई दे जाएगा बीपीएच पावर, और यहाँ पे पावर आईसी से हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा था, अगर यह रजिस्टर सही था, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो आप यहाँ पे 4 वोल्ट दे सकते हो बेसिक, और यहाँ पे ये अपना काम करके इनपुट वोल्टेज निकाल देगा। तो बेसिकली आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।